रीवा शहर में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वर्षों से चल रहे रतहरा तालाब के कायाकल्प का कार्य पूरा हुआ और जनता को समर्पित किया गया, लेकिन शहर वासियों को मिली यह सौगात उन्हें रास नहीं आ रही है। हालांकि इसमें निगम प्रशासन की भी लापरवाही है। पहले रतहरा तालाब में गंदा पानी आने की समस्या आई, इसके बाद सामने आया कि यहां आने वाले लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं व स्ट्रीट सहित अन्य लाइटों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां गंदगी भी फैलाई जा रही है। वहीं अब यहां लोगों ने रील बनाकर इसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक युवक यहां स्टंट करता दिखा, उसके द्वारा इस संबंध में रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की गई। वह बाइक पर सवार होकर रतहरा तालाब के मुख्य गेट की सीढ़ियों पर बाइक से स्टंट करता दिखा, जिसे सोशल मीडिया में ग्रुप में शेयर करते हुए नगर निगम के पूर्व वित्त प्रभारी नीरज पटेल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से रील व वीडियो बनाकर तालाब को क्षति पहुंचाई जा रही है। जिस प्रकार से बाइक से सीढ़ियों में स्टंट किया जा रहा है, उससे सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस इन दिनों इस प्रकार से मनमानी करने वालों पर कड़े एक्शन ले रही है। निगम प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह अब आने वाला समय ही बताएगा।